कृपया क्षमताम् अपराधी जनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलित पादानां भूमिरेव अवलंबनम् त्वय जातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग भजन रहस्य श्रवण कर रहे हैं। परम करुणामय पतित पावन श्री सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जी महाराज की पतित पावन परम करुणामय श्रील गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद की जय। हम लोग बीच बीच में प्रथम याम साधन का जो अर्थ चिंतन है उसे कर रहे थे। जिसका हमने चिंतन किया था कि किस प्रकार से श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम ये सब कैसे धीरे धीरे उदित होता है ये हम लोगों को इसमें शिक्षा दी है हमारे परम करुणामय भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। कहते हैं
भक्ति मूला सुकृति है ते श्रद्धा उदय श्रद्धा है ले साधु संगे अनायास है साधु संग फले है भजनेर शिक्षा संगे नाम मंत्र दीक्षा भजिते भजते है अनर्थे रखाए अनर्थ खर्वित है ले निष्ठा रे उदय निष्ठा नामे जत है अनर्थ विनाश निष्ठा नामे जत है अनर्थ निवा विनाश नामे तत रुचि क्रमे है विप्रकाश रुचि युक्त नामे ते अनर्थ जतो जाए ततोई आसक्ति नामे भक्त जन पाए नामाशक्ति क्रमे सर्व अनर्थ दूर है तवे भावोदय है यही तो निश्चय इति मध्य अत सत्संगे प्रतिष्ठा जन्मिया कुटी नाटी द्वारे जेन निम्ने फैलाइया अति सावधाने भाई असत्संग त्यज निरंतर परानंदे हरि नाम भज। भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के द्वितीय अध्याय के 111वां श्लोक उद्धृत किया है कात्यायनी संहिता का। वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति नाशौरी चिंता विमुख जन संवास वैश सम वैश सम। देखिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं जो भक्ति मूला सुकृति है उससे श्रद्धा होती है। कौन सी श्रद्धा? भगवान कृष्ण के भक्तों का जा जिसकी भगवान विष्णु की भक्ति की उन्मुखी श्रद्धा है तो वैष्णवों का संग प्राप्त होता है, वो भक्ति मूला सुकृति से होता है। और साधु संग के फल में भजन की शिक्षा प्राप्त होती है। कैसे भजन की शिक्षा? हमारे गुरु महाराज जी एक बार जलंधर में थे तो वहाँ कोई परिवार आता था कथा सुनने के लिए कीर्तन सुनने के लिए। गुरु जी ने उनसे वो मिलने गए, गुरु जी ने पूछा आपको कुछ समझ आता है? कहते महाराज एक भी अक्षर पल्ले नहीं पड़ता, आप तो रोज आ रहे हैं। कहते आनंद बहुत आता, एक भी अक्षर समझ नहीं आता लेकिन ये कीर्तन ऐसे हैं इनको सुन के आत्मा तृप्त हो जाती है। तो गुरु जी ने उस बात को बोला कथा में, कहते वो आने से धीरे 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 भजन कैसे किया जाता है, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, ये शिक्षा साधु संघ में अनायास मिल जाती है। हम घर में रहते हैं हमें पता ही नहीं है किस प्रकार से हमको अपने वस्त्रों को पवित्र रखना, क्योंकि वस्त्र अपवित्र हुए तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, भगवान किसी वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान तो मैंने देखा यहाँ भी कुछ बच्चे लोग या भक्त लोग नहीं कर पाते, वो गलत है। आपको शौच क्रिया इत्यादि में जब जाना होता है, चाहे वो मल त्याग हो चाहे मूत्र त्याग हो, मल त्याग पे तो अर्ध स्नान अत्यंत आवश्यक है और मूत्र भी आजकल जो है लोग कमोड में करते हैं बैठ करके कई लोग, तो उस वक्त आपको अपने अर्ध स्नान करना ही पड़ेगा। जो कमोड पे बैठा है आधा स्नान करना होगा, उन वस्त्रों का त्याग करना होगा, तभी आप ठाकुर जी की रसोई के अंदर इस द्वार के अंदर प्रवेश करें। नहीं तो आपकी वो जो अपवित्र क्रिया है वो उसकी जो वाइव्स होती हैं जो उनकी, वो अंदर जाएंगी, साधु संत जो भी महात्मा लोग खाएंगे
वो समुचित नहीं, ये सबके लिए है, सबके लिए। तो ये सारी चीज़ों को भजन की शिक्षा में सदाचार शिक्षा होती है, ये सदाचार शिक्षा है। फिर भजन की शिक्षा क्या है? भजन की शिक्षा तिलक लगाना, कंठी पहनना, माला करना, भगवान जी को धूप अर्पण कैसे करना, दीप अर्पण कैसे करना है, भगवान का श्रृंगार कैसे करना है, ये सब भजन की शिक्षा। वो भजन की शिक्षा में फिर सेवा शिक्षा आ जाती है। सेवा शिक्षा के अंदर भगवान को भोग बनाते समय बात नहीं करनी, हा 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 फप 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 करके वहाँ पे छींक आई तो दूसरी तरफ जाना है। मतलब वो श्री राधा रानी की सेवा है, राधा रानी ये करती हैं तो मेरे को एक मौका मिला है सेवा करने का। नहीं भाव भावित होते कोई बात नहीं, डुप्लीकेट या काल्पनिक नहीं करना है, नहीं भावना में आता है कोई बात, स्वच्छ रूप से तो करना पड़ेगा। इस प्रकार से भजन जो क्रिया है, भजन की शिक्षा जो है, हमें वहाँ संग से अनायास मिल जाती है। अच्छा, भजन की शिक्षा जब प्राप्त हो जाती तो व्यक्ति के हृदय में आता है हम भी भजन करें। तो भी भजन करने के लिए क्या दीक्षा ग्रहण करनी होती है, मंत्र दीक्षा। अब मंत्र कैसे धारण करने हैं, कैसे जप करने हैं, आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो हम लोगों को तिलक मंत्र मिलते हैं ना, इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। कई लोग उच्चारण करते हैं, इसमें ओम लगा हुआ था पहले, लेकिन स्त्रियों के लिए श्री शब्द का प्रयोग गुरुदेव ने करवाया है। हमको परम पूज्य पात्रेश्वर महाराज जी ने कहा कि ये मंत्र जो है कि ओम के द्वारा ही, मतलब उच्चारण नहीं करना, मतलब किसी को सुनाना नहीं है, ये कहने का भाव है। आप जैसे करते इतना ही कि जितना आप सुन सके बस, अगर बोलना है तो। माताओं के लिए श्री शब्द का प्राकट्य किया है यहाँ। तो इस प्रकार से मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है। मंत्र दीक्षा के समय में आसन कैसे बिछाना है, आसन को कैसे प्रणाम करना है, मंत्र क्या उच्चारण करना है, ये सारा पता लगता है। कहते इतना कुछ करने पर भी कुछ लाभ ना दिखे तो क्या कारण हो सकता है? वो है विशेष भजन की शिक्षा। जैसे ही वहां पर हरि नाम दीक्षा दी जाती है, सात सात दस प्रकार के नाम अपराधों के बारे में चर्चा है, वर्णन है, और उसमें सबसे पहला नाम अपराध कौन सा है? भगवत नाम का प्रचार करने वाले भगवत भक्तों की निंदा, सतांग निंदांग प्रथमन नामना अपराध, पहला नाम अपराध सतांग निंदा। सतांग निंदा जिसने भी सतवृत्ति धारण की, वो भले ही साधु है, हुआ है या नहीं हुआ है, सदवृत्ति को धारण किया। सदवृत्ति क्या है? तिलक लगाना, कंठी पहनना, माला करना, ये सदवृत्ति है। साधु नहीं कहा इसको, सतांग जो सत को आश्रय कर ले, सत को जिसने ग्रहण कर लिया, अब वो किस अवस्था में है, क्या नहीं है, क्या है वो भगवान जाने, वो जाने। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपना भजन करना, अगर मैंने अपना भजन सिक्योर करना है, बचाना है, तो ये इससे सावधान। दूसरा नाम अपराध गुरु अवज्ञा। ये दो नाम अपराध अगर कोई व्यक्ति ना करे, शिवादि देव वृंद का हम लोगों को कोई ऐसा ईश्वर से पृथक बुद्धि है ही नहीं, और नाम के बल से पाप बुद्धि या नाम अतिशयोक्ति ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आता है ना। दो चीजें हमारे द्वारा होती रहती हैं, ये हमें साधु संघ में पता लगता है। पहला, किसी भी गुरुजी तो बोलते थे सतांग निंदा का, साधु निंदा तो छोड़ दो, कोई जीव का निंदा नहीं करना है।
गुरु जी तो ऐसे बोलते थे। एक बार गुरुदेव ने बोला, दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा देखा तो निवेदन किया, महाराज जी मेरी दृष्टि में ही दोष क्यों आते हैं। गुरु जी मुस्कुराए, शब्द कुछ और थे, मैं अभी कुछ और बोल रहा हूँ। गुरु जी मुस्कुराए, है तो बद्ध जीव का लक्षण। तो जी कहते यही जगत में भगवान का यही जगत में ना, यही जगत में भगवान का श्रेष्ठ प्राणी कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। वही गुण को सामने रखना, प्रणाम करना, इतनी बड़ी बात कहते। तो ये कैसे पता लगता? हमें तो नहीं पता लगता, अपने अंदर से तो आता नहीं ये चीज। इसलिए ये बात को हर कोई आदमी हजम नहीं कर सकता, हर कोई आदमी इस बात को हजम नहीं कर सकता, मतलब हर कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जो करना चाहता है वो धीरे धीरे, अच्छा कई लोग ऐसे हैं जो स्वीकार नहीं करना चाहते। गुरुदेव के प्रति बड़ी निष्ठा है, ये बात को जो जैसा है उसको वैसा बताना पड़ेगा, मतलब ऐसे हैं। लेकिन गुरुदेव की बड़ी बड़ी अनन्य निष्ठा, गुरु जी कृपा करके ना धीरे 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 धीरे, वो चिंतन इतना गुरु जी का करता है कि गुरु जी धीरे धीरे धीरे, उसे पता भी नहीं लगता कि कब वो इन सब चीजों से मुक्त होगा। ऐसा भी होता है, निकल जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों में अपराध हो तो भगवान का नाम उद्धार करता है। वैष्णव चरण में अपराध होने से, जहां किसी भक्ति की क्रिया को दिखलाने वाले के प्रति भी अपराध होने से भगवान नहीं क्षमा करते। लेकिन गुरु भक्ति होने के नाते कहते ना, हरि छूटे तो ठोर है, गुरु छूटे नहीं ठोर। हरि रूठे तो भगवान रूठ जाए तो भी जगह है, लेकिन गुरुदेव रूठ जाए तो जगह नहीं। और गुरुदेव कभी रूठते ही नहीं, रूठना उन्हें आता ही नहीं है ना, ये बात है। तम निर्व्यजम भन भज गुण निधिम पावनम पावनानाम श्रद्धा रज्जन मति अतितराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन अंतकरण कुहरेयन नाम भानोर हंतयन नाम भानोर आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशि परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सहकर भजन यार नाम सुरज भासंतरे प्रवेशि ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि ऐ शिक्षा शक करे कृष्ण लीला क्राम इहाते भजन क्रमे लीला रे उद्गम प्रथमे प्रथम श्लोक भज किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण चारि श्लोके क्रमश भजन पक्व करो पंच श्लोके ते निज सिद्ध देहवर ऐ श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देह अधिकार हैल अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुरे चरित देखे शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध देपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकले अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वाण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनं आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं
सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम संकीर्तन हिते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृतस्वादन कृष्ण